फतेहाबाद में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस इतनी गंभीर है कि वो शहर के वाल्मीकि चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ले में बेल्जियम नस्ल के कुत्तों के साथ पहुंच गई। दरअसल इन कुत्तों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च अभियान के तहत इलाके के 12 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहाबाद में एक महिला को 25 ग्राम हेरोइन और एक व्यक्ति को 380 ग्राम चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो जिले में लगातार नशा बढ़ रहा है, यही कारण है कि युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ने कई टीमों का गठन कर रखा है। वहीं पुलिस टीम ने शनिवार सुबह 7:30 बजे एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ फतेहाबाद शहर में गुरु नानकपुरा मोहल्ला, शक्तिनगर समेत कई इलाकों में छापेमारी की। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिसार की सभी टीमें एक साथ करके हमने गुरु नानक मोहल्ला है फतेहाबाद में, उसमें रेड की गई थी और सर्च किया था पूरे मोहल्ले को। जो बेचते हैं, जिनको जो नशे का कारोबार करते हैं, उनके हर घर में करीब 20 घरों में इस प्रकार की रेड की गई थी। और हमारे डीजी एडीजी श्री श्रीकांत जाधव जी, उनके निर्देश पर आज फतेहाबाद में जो जो नशे का कारोबार या बेचने का काम करते हैं, उन सभी के घरों में सर्च किया गया, जिसमें हमें करीब 2 घरों में सफलता मिली है। और एक महिला कमलजीत, जिसके पास से करीब करीब 25 ग्राम हीरोइन चिट्टा जिसको बोलते हैं, वो रिकवर हुआ है। और एक हैप्पी है, इसी मोहल्ले का है, उससे भी 380 ग्राम के करीब चूरा पोस्ट बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई की गई? दोनों की कार्रवाई अभी जारी है, FIR करके मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चलेगी और जैसी भी कानूनी कार्रवाई होगी सब की जाएगी। छापेमारी के दौरान लगभग 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। वहीं बेल्जियम नस्ल के कुत्तों ने इस नशे को सूंघकर पहचाना, जिससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।